you would be able to probably identify that uh, what are the what are the what are the trades that could have been possible based on the planning that we have done okay now coming to the motamoda view what do we said bank nifty max target 39100 bank nifty did a 400 point almost in 5 minutes upside do you think we would be still buying when i have given you a max target this no then we could have sold we sold this much we did not take this much we took a buy here and we took a second buy here and we are still holding the buy okay that is how bank nifty has happened today यहाँ पे buy zone था timing आपका 11:30 का था 11:30 में भी आप buy कर सकते तो 11:30 to 1:30 11 we were almost on the buy side and मैंने क्या बोला था अगर आप astro की timing देखोगे तो मोटा मोटा 11:30 to 1:30 हमें एक buy मिल सकती है जो buy मिला हमको

अभी मैंने टाइमिंग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करा एग्जैक्ट टाइमिंग बट आई गिव यू इट ओके बट मार्केट वुड बी डाउन साइड इन द फर्स्ट हाफ एंड पॉजिटिव इन द सेकंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन चेंज डेटा बट बाई द्लाइंट ओके so it is very very इम्पोर्ट के मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे आए सो क्लाइंट्स अपने पोजिशन कट करें प्रोज अपने पोजिशन कट करें और एफ आई यू आर एट द मर्सी ऑफ इफ कीप्स ऑन बाइंग देन मार्केट विल गो अप वन ऑफ द रीजन आई एम थिंकिंग एफ आई माइट बिकॉज़ दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ शॉर्ट पोजिशन बिल्टअअप ओके बैंक निफ्टी में देर इज एमिलर स्मॉल नंबर ऑफ शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप और निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअपिनफ्टी को तो मैं नीचे एटलीस्ट नहीं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी शायद थोड़ा भी नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी का जो डाउन साइड रहेगा ये बाय जोन इज स्टिल गोइंग टू वर्क बट इट विल बी ए वेरी नैरोन टू मोरो अराउंड लाइक दिस ओके सो बैंक निफ्टी बेसिकली अगर ये लेवल पे आता है थर्टी एट थाउजेंड फाइव फिफ्टी के लेवल से लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी वुड आई वुड स्टिल गो फॉर ए बाइंग टुमारो बिकॉज वेडनेस डे वी आर एक्सपेक्टिंग ए ग्रीन कैंडल ऑन द मार्केट ओके पर्सनल व्यू जो मेरा है शायद बैंक निफ्टी ये वीक जो है ये वाली लो या ये वाली जो थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऐसे भी लेवल पिछले वीक का था थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जो मोटा मोटा लेवल ये फाइव सिक्सटी का लेवल है फाइव हंड्रेड का जो लेवल है शायद बैंक निफ्टी ये वीक ना तोड़े ओके okay? हमारा व्यू राउंड कब जाएगा जब ट्यूजडे मार्केट विल क्लोज बिलो थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड

38,900 का लेवल दैट मीन 200 पॉइंट का अगर मार्केट गैप अप हो जाता है एंड हाफ एनआवर तक ये लेवल सस्टेन कर जाता है दैट मीन्स नीचे नहीं आता है देन वी माइट सी ए बुल रन ऑन ट्यूजडे ऑल्सो ओके ये सिनारियों को ध्यान में रखना है आपको बाई आपकी यहीं पे है 38,560 के आसपास बाई है ओके okay? uh, नीचे साइड में ओके okay? ऊपर साइड में आपको सेल नहीं करना है अगर बैंक निफ्टी टू हंड्रेड पॉइंट्स का गैप अप कर लेता है

ये ये जो बाइंग बाइंग जोन है, ये जोन सेव्ड सेव्ड ओके बी आज मैंने निफ्टी में देखो ये लेवल आपको दिया था पहले भी ओके कल के वीडियो में क्या यहाँ पे हमारी सेल बनती थी बिल्कुल बनती थी क्योंकि ये हमारी आर वन थी मैंने चार्ट डाला है कम्युनिटी टाइप में यू कैन लुक एट कम्युनिटी टाइप हाउ आई प्लांट माई ट्रैक ओके मेरा जो पर्सनल व्यू है निफ्टी बाय चांस अगर ये लेवल पे मिल जाता है आपको एटीन थाउजेंड फोर्टी ये लेवल मैंने कल भी आपको दिया था एटीन थाउजेंड थर्टी फोर्टी का जो लेवल है बाय चांस अगर मिलता है तो आप फिर भी बाय बाय करोगे बायोगे बाई हाउ एवर अगर मार्केट गैप गैपअप होकर ऊपर नीचे आना चालू करता है आई रियली डाउट इट कैन गो डाउटी थाउजेंड कैन स्टिल गो फॉर ए बाय अराउंड एटीन थाउजेंड सेवेंटी सिक्सटी सेवेंटी का लेवल ये लेवल जो ब्लैक मैंने बनाया यहाँ से आप एक बाइंग निफ्टी में कर सकते हो ओके टाइमिंग मैं आपको दूंगा बाद में आप यहां से एक बाइंग आइडियली इनिशिएट कर सकते हो आइदर दिस बी द बाय टो सिनेरियो और बेसिकली मार्केट गिव ए बाय फ्रॉम हियर एंड मार्केट विल गो अप ओके ठीक है टारगेट हमारी जो रहेगी कल मार्केट में अगर ये सिनेरियो बनता है टारगेट वी आर वन एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटीन के आसपास

Then we will see 18,332 by Wednesday. Okay. So that is how we are going to trade. buy zone valid. still I'm not at all interested in selling the market tomorrow. Rather, if market comes down in the morning, I'll go for a buy around 18,060 or 18,030. Either of these level. Okay. Depending upon that, when I'm seeing a positive price action. That should be a very simple trade tomorrow. Okay. अटेंशन जो है आपको देना है कि ऑप्शन चेन को बिल्कुल देना है जैसे मतलब एफ का ज्यादा नेगेटिव पोजिशन नहीं है फॉर द फर्स्ट टाइम आई द नेगेटिव साइड प्रो का भी जैसे मैं बोला प्रो में पीपल प्रो ओके सो वंस मार्केट बेसिकली टेक्स लिटिल बिट ऑन द हायर साइड देअर कॉल्स दे विल ट्राई टू कवर अनवाइंडिंग जैसे ही करेंगे मार्केट विल स्टार्ट की बाकी देखेंगे जैसे मैं बोला मार्केट में हमारा व्यू तभी रॉन्ग होगा जब ट्यूजडे को मार्केट एटीन थाउजेंड थर्टी के नीचे क्लोज करेगा इफ इट क्लोजेस ओके विच इज वेरी वेरी अनलाइक ले टू हैपन ओके अगर क्लोज कर देता है तो मैं अपना पोजिशन लॉस में बुक कर लूंगा और बैंक निफ्टी में मैंने बोला एट थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है इवन डे एंड तक ट्यूसडे तक क्लोजिंग अगर कर देता है तो मार्केट में हम आइडियली पोजीशन कट करेंगे अपना लॉस के साथ एंड देन वी विल सी ए बाइंगे मोस्टली वेडनेसडे ही करेंगे बट अपना पोजिशन एक बार कट करेंगे अगर ये क्लोज इस साइड में करता है क्योंकि इस साइड में अगर क्लोज कर देता है ना ओके देर इज वेरी हाई चांस दैट इन वेडनेस डे द मार्केट कैन गैप डाउन एंड गिव गिव यू ए बुल रन तो जैसे हाई हाई हाँ, हाँ, पॉसिबिलिटी तो जो गैप डाउन होगा ना वो लॉस को आप झेल नहीं पाओगे ओके यू विल नॉट बी एबल टू बियर दैट लॉस रादर देन वेट फॉर दैट गैप डाउन टू हैपन ऑन वेडनेसडे एंड वेडनेसडे हम बाइंग करेंगे ऑन द गैप डाउन बट ये लॉस कल आपको लेना पड़ेगा अगर मार्केट 38500 के नीचे डे एंड द क्लोजिंग करता है और निफ्टी 18000 20 एटीन थाउजेंड टेन का लेवल है एटीन थाउजेंड ट्वेंटी एटीन थाउजेंड टेन के नीचे दैट मीस नाइनटी पॉइंट्स का फॉल एंड क्लोजिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड दट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड ठीक है थैंक यू वेरी मच गुड नाइट जय माता दी